मैं दिलीप जगवानी आपके साथ, आप हैं मेरे साथ लोकसौ टीवी पर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पेड़ कटाई मामले में शासन और रेलवे को जवाब देते नहीं बना शपथ पत्र के साथ, जवाब देने हाईकोर्ट ने फिर दी मोहलत। छठ महापर्व का अर्पा के तट पर दिखा उल्लास, डूबते सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने छठी मैया का किया गुणगान। और कैंसर रोगियों को दीर्घायु वार्ड से मिली राहत, शिविर में लोगों ने निशुल्क जांच और उपचार का उठाया लाभ। बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए डिपो निर्माण के नाम पर रेलवे ने 242 हरे भरे पेड़ काट दिए। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने रेलवे और राज्य शासन से शपथ पत्र में अब जवाब मांगा है। बिलासपुर में रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए डिपो बनाने के लिए 242 पेड़ों की कटाई की, जिससे वहां की हरियाली प्रभावित हुई है। चीफ जस्टिस ने पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए रेलवे और राज्य प्रशासन से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। अदालत ने पूछा कि क्या रेलवे के पास पेड़ काटने की कोई विशेषज्ञता है। उन्होंने रेलवे और राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब तलब किया है। महाधिवक्ता ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और विभू दत्ता गुरु की बेंच को जानकारी दी कि 160 पेड़ काटे गए, 54 पेड़ विस्थापित किए गए, जबकि 72 पेड़ अब भी स्थल पर मौजूद है। वन विभाग ने अपने हलफनामे में कहा है कि अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पहले ही यहां कई प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ की कटाई की जा चुकी थी। अब इस मुद्दे पर कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए रेलवे से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद पर्यावरण संरक्षण के प्रति रेलवे की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या भविष्य में ऐसे ही हरित कटाई से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पर्व की छुट्टी पर गुरुवार को सिम्स में आपातकालीन ओपीडी खुला रहा, जिससे मरीजों को इसका लाभ मिला। गंभीर और त्वरित चिकित्सा वाले मरीजों का इमरजेंसी ओपीडी में मौजूद डॉक्टरों ने जांच कर उपचार किया। गहन इलाज की जरूरत वाले मरीजों को भर्ती किया गया। इमरजेंसी ओपीडी दोपहर 1 बजे तक खुला रहा। इधर व्यवस्था बनाने अधीक्षक सिम्स का रोज चक्कर लगा रहे हैं। पान गुटखा खाते पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना तक वसूल किया जाता है। इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजनों से अपील और उन्हें सचेत करने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। तैनात गार्ड और अस्पताल के भीतर सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी तय की है। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा, त्वरित इलाज और सुविधा का इंतजाम व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके लिए कुछ बदलाव कर नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। अस्पताल में प्रवेश करते ही व्हीलचेयर और स्ट्रेचर मरीज को मिल रहा है और परिजन बिना बाधा के उसे लेकर डॉक्टर तक पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ समय बाद सारी व्यवस्था एक साथ रन करने लग जाएगी। हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है जब पेशेंट यहाँ आए वो कैसे चिकित्सक तक आसानी से पहुंच सके, उसमें से प्राथमिकता हम दे रहे हैं उन लोगों को जिनको स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की आवश्यकता है। क्योंकि पेशेंट है तो वो व्हीलचेयर स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि सामान्य आदमी तो यहाँ आएगा नहीं अस्पताल में, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आस्था का महापर्व छठ उत्साह से मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। खरना के अगले दिन नदी सरोवर और सभी तरह के जलाशयों में आस्थावान सूर्य पूजा करने एकत्रित हुए। बिलासपुर का मशहूर छठ घाट में गुरुवार शाम को हजारों की संख्या में व्रतियां परिवार के साथ पहुंची। पारंपरिक श्रृंगार में सजी माताओं ने धार्मिक आस्था के इस क्षण को अपने कठिन तप और समर्पण से यादगार बनाया। लालिमा लिए अस्त होते सूर्य के साथ पूरे वातावरण में छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। थाल और बांस के टोकरे में रखे फल फूल और पूजन सामग्री एक एक कर सूर्य देवता को अर्पित कर परिवार में सुख वैभव और कल्याण की कामना कर अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिया। जलधारा के बीच सूर्य के आभा से पूरा छठ घाट दमक रहा था। अशोकनगर में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों को बीते 1 साल से वेतन का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मामले में शाला समिति के साथ शिक्षकों की लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं आया है।
एक साल से वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने अब शाला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें लंबित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता वे काम पर नहीं लौटेंगे। 12 महीना का एक तो वेतन नहीं मिला है भैया, इस कारण धरने में बैठे हैं। और लगभग हम लोग को 2-3 दिन हो गया है बैठे हुए धरने में, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है अभी तक से। और गए थे कलेक्टर के पास, गए थे SDM के पास, गए थे शिक्षा अधिकारी के पास गए थे, तो प्राचार्य मैम से बात हुई थी तो बोल दिए थे कि मीटिंग करेंगे शाम को तो बताएंगे। मीटिंग होने के बाद बोले कि हमारे मतलब आपके और सब टीचर लोग आए हैं तो उनसे मैं बात करूंगा करके बोले हमारे अध्यक्ष महोदय जी, तो वो फिर बात करने आए हैं। तो फिर हम लोग उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है उसका। बात मौसम की, छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं के आगमन के साथ ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और अगले 5 दिनों तक न्यूनतम अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि अगले 2 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के तापमान में गिरावट आएगी, जबकि शेष क्षेत्रों में तापमान स्थिर रहने के आसार हैं। बिलासपुर में शुक्रवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में कैंसर रोगियों के लिए चलाए जा रहे दीर्घायु वार्ड योजना के तहत गुरुवार को जिला अस्पताल में शिविर लगाया गया। लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने और पीड़ितों को त्वरित और नजदीकी अस्पताल में इलाज की सुविधा देना इस योजना का मकसद है। इन शिविरों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर होने वाले लाखों रुपए खर्च की बचत हो सकती है। शिविर में पहुंचे मरीजों और जांच कराने आए लोगों को डॉक्टर दिनेश पेडारकर ने अपनी निशुल्क सेवाएं दी। देश के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश ने बताया कि ऐसे मरीजों के आंकड़े देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। बार बार इलाज को देखते हुए इसकी जो जरूरत पड़ती है, छत्तीसगढ़ सरकार ने दीर्घायु वार्ड योजना चलाई है जहाँ निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है। आपको पता है कि ये बीमारी बढ़ रही है, आपको पता है कि ये बीमारी मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मरीज को इसमें बार बार इलाज कराना पड़ता है। एक ऑपरेशन या एक इंजेक्शन से काम नहीं चलता है, चूँकि मरीज को बार बार जाना पड़ता है तो कोशिश ये है कि उसको बार बार दूर ना जाना पड़े और उसका कुछ काम यहीं जिला अस्पताल में हो जाए, जिसका प्रयास जारी है। 4 साल से ये प्रयास हो रहा है। इसका नाम है दीर्घायु वार्ड, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रोग्राम है जिसके तहत कैंसर के मरीज को मदद दी जाती है। बैग में शराब भरकर इसकी अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैग में शराब भरकर लावर के पास नहर के रास्ते जा रहे इस युवक को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। आरोपी रोशन बघेल के कब्जे से 40 पाव देशी शराब जब्त किया है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले युवक और उसके सहयोगी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग 17 अक्टूबर से लापता थी। पुलिस को जांच के दौरान पता लगा कि नाबालिग डिंडौरी नवागांव चौकी निवासी अगम कुमार डहरिया से मोबाइल पर बात करती थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने नवागांव में दबिश देकर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी युवक को पकड़ा। पूछताछ में नाबालिग ने युवक पर झांसा देकर भगाने और मंदिर में शादी करने की जानकारी दी। पूरे मामले में आरोपी युवक अगम कुमार डहरिया और उसके चाचा मनोज डहरिया को हिरासत में लिया है। रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना का कार्य जोनल स्टेशन में शुरू हो गया है। इसके लिए गेट नंबर 4 के सामने घेराबंदी कर दी गई है। वहीं ठेका कंपनी ने निर्माण सामग्री डंप करने के लिए उर्दू स्कूल मैदान को अपने कब्जे में लिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना का कार्य बिलासपुर स्टेशन में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यात्रियों को यहाँ पहुँचने पर एयरपोर्ट जैसा अनुभव हो। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए गेट नंबर 4 के सामने क्षेत्र को घेराबंदी कर दी गई है और यहां बने रैंप से शेड हटाया जा रहा है। निर्माण के दौरान मौजूदा सुविधाओं को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा रहा है। जनरल टिकट काउंटर को आरक्षण भवन में स्थानांतरित करने की योजना है, जबकि रिजर्वेशन सेंटर को भी एक नए स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। दिवाली के बाद निर्माण कार्य की गति में तेजी आई है और तोड़फोड़ के साथ नया निर्माण भी प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवाजाही के लिए गेट नंबर 1 को खुला रखा जाएगा, जबकि अन्य गेट बंद रहेंगे।
इस योजना के तहत स्टेशन को एक सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने और बिलासपुर शहर के दोनों किनारों को इससे जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इस भव्य स्टेशन का उद्देश्य यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कोविड 19 के समय बाहरी यात्रियों की जांच के लिए रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 पर एक विशेष बूथ बनाया गया था। इस बूथ पर आरपीएफ जवानों की भी ड्यूटी लगाई थी ताकि स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके। हालांकि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद ये बूथ अब बिना किसी उपयोग के यूं ही पड़ा है, इसकी निगरानी भी नहीं की जा रही है। स्थानीय यात्रियों और स्टाफ का कहना है कि बूथ का भविष्य में किसी और उपयोग के लिए सुझाव पर विचार किया जा सकता है। तोरवा के देवरी खुर्द में कार खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक हथियार लेकर पड़ोसी के घर पहुंच गया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में युवक को गाली गलौज और हथियार लहराते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार तोरवा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द में रहने वाले राजेंद्र मिश्रा और उसके पड़ोसी भूपेश कुमार के बीच सड़क पर कार खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि भूपेश अपने कुछ साथियों के साथ हथियार लेकर राजेंद्र के घर के बाहर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। राजेंद्र मिश्रा ने इस मामले की शिकायत तोरवा थाने में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना का वायरल वीडियो अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। मंगला चौक से धूरीपारा तिराहे तक 1 किलोमीटर का सफर लोगों के लिए यहां उड़ रही धूल के कारण परेशानी से भरा है। 1 साल हुआ सड़क की स्थिति जर्जर है। ये लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है, लेकिन इसमें पड़े गड्ढों और उड़ते गर्दोगुबार के बीच से होकर गुजरना लोगों की मजबूरी है। हालांकि दिवाली के समय लोगों को फौरी तौर पर राहत देने बदहाल सड़क को चलने लायक बनाने कुछ काम किया था, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होने के कारण स्थिति जस की तस हो गई है। इससे राहगीरों में नगर निगम के प्रति भारी आक्रोश है। ये सड़क मंगला पुरानी बस्ती के अलावा 10 कॉलोनियों लोखंडी और घुटकू जैसे 2 गाँव को जोड़ती है। शहर में सड़कों के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े ठेलों से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इन पर की जाने वाली नगर निगम और यातायात पुलिस की कार्यवाही भी बेअसर हो जाती है। वाल्मीकि चौक से तीनों मार्ग में इनसे लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। हाथ ठेला वालों को एक जगह से हटाते ही वे दूसरी जगह ठेले लेकर खड़े हो जाते हैं। शनिचरी मुख्य मार्ग से लेकर रपटा पुल तक इनका कब्जा हो गया है। इससे पूरे इलाके में ट्रैफिक अव्यवस्थित रहता है और जाम लगने से सभी प्रभावित होते हैं। पहले फल ठेला खड़ा रखने शनिचरी चौपाटी में इन्हें दी गई जगह का उन्नयन कर यहाँ हैप्पी स्ट्रीट बनाया है, तब से सभी फिर सड़क पर आ गए हैं। बिलासा चौक पर सीजन का बाजार सजता है, जिससे सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिलता है। सर्दी के मौसम में गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। इस सीजन में कई सब्जियां बाजार में आती हैं जो ताजा और खाने में स्वादिष्ट होती हैं। इन सब्जियों में गोभी, मटर, पालक, बथुआ, मेथी शामिल है। किसान ठंड में इन्हीं सब्जी भाजी का उत्पादन कर रहे हैं। मंगला निवासी किसान लक्ष्मण पटेल ने बताया कि उन्होंने खेत में हरी सब्जियां और भाजी लगाया है, जो तकरीबन दो महीनों के बीच ये तैयार हो जाएगा। किसानों को इन हरी सब्जियों का अच्छा दाम भी मिल रहा है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी है। अभी बारी में पालक लगे है, मेथी भाजी लगे है और बर्रे भाजी लगे है और फूल गोभी है, थोड़ा बहुत मिर्ची लगे है, गोभी लगे हुए है, ये सब लगे है थोड़ थोड़। तो कब तक बाजार में जाही है? ये 20 दिन में भाजी मन तैयार हो जाती है मंगला में, और फूल गोभी है तो 2 महीने ले ही लेते। अभी यदि महीना के बाद सस्ता हो जाते, थोड़ा दिसंबर महीना में सस्ता चालू हो जाते भाजी मन, और पहले से सस्ता हो गया। अभी 200 रुपया सब चलते, 300 रुपया में आ गए भाजी मन।